फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इसवा एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस ब्रेकिंग न्यूज़ में हम लेकर के प्रेजेंट है, जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईपीएस 95 हायर पेंशन पेंशन धारकों की हायर पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब मिलेगा हायर पेंशन। केंद्र सरकार को नहीं है पेंशन धारकों की चिंता। ईपीएफओ और केंद्र सरकार की नीतियों पर पेंशन भोगी लगातार सवाल उठा रहे हैं। हायर पेंशन को लेकर के समस्या दूर ही नहीं हो रही है। SAIL FCI के कर्मचारी जो है पेंशन भोगी इतना नाराज़ हो गए हैं कि अब जो है गुस्साते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके सब्र का बांध टूट गया है। आखिर इतना कौन सहता है, तो कब मिलेगा हायर पेंशन। 1.5 साल तक प्रक्रिया लंबित और ईपीएफओ और केंद्र सरकार में भड़के पेंशन भोगी। केंद्र सरकार और ईपीएफओ को पेंशन धारकों को की नहीं है चिंता। तो ये सारी चीज़ हम इंक्लूड करने वाले हैं सारे कंटेंट पॉइंट पर। लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसे यहाँ पर मीटिंग देख सकते हैं कि ईपीएफओ की मीटिंग में क्या हुआ है, तो लगातार बने रहिए। यहाँ पे देखेंगे कब मिलेगा हायर पेंशन। ईपीएफओ 95 हायर पेंशन को लेकर के कर्मचारी और पेंशन भोगी केंद्र सरकार और ईपीएफओ के बीच में चक्की की तरह से पीस रहे हैं। हायर पेंशन की गणना अधिकतर सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने कर ली है। सेल और एफसीआई कार्यालयों में वंफर तरीके से पेंशन की गणना की जा रही है और सभी पेंशन भोगी वहां पहुंच करके अपनी पेंशन गणना करवा रहे हैं। पर इसको जो है लागू कब किया जाएगा और कब उसको हायर पेंशन जो है का जो है यह सवाल जज का तस है। ठीक है, 1.5 साल तक प्रक्रिया लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसको लागू नहीं किया जा रहा है। पेंशन भोगी ऐसे अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर रहे हैं ये वे ही जानते हैं। 1.5 साल तक हायर पेंशन की प्रक्रिया लंबित है। बहुत सारे पेंशन धारकों ने अपनी जो है जमा पूंजी ईपीएफओ में जमा कर दी है, पर उनको जो है अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। अब पेंशन को लेकर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की तरफ से लगातार सवाल यूनियन नेताओं से किए जा रहे हैं। अब ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर भड़के पेंशन भोगियों ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ पर भड़कते जो है कहा कि 1.5 साल केवल माथापच्ची हो रही है, अब तक मिला कुछ नहीं। सुबह से शाम तक हर कोई अपनी पाई पाई का हिसाब लगाता है, रिजल्ट के रूप में सब शून्य ही नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ढिलाई बकाई में कई सवालों का जन्म दे रही है। सेल ने जो है सबसे पहले अपने स्तर पर ज्वाइन ऑप्शन फॉर्म भरवाया और इसके बाद ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को खारिज कर दिया। अब तक केवल यही चलता आ रहा है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, देखेंगे केंद्र सरकार और ईपीएफओ को पेंशन धारकों को की नहीं है चिंता। पेंशन भोगी सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकार और ईपीएफओ को पेंशन धारकों की चिंता है ही नहीं, इससे अच्छा तो हम मौत मिल जाती। कई पेंशन धारक इसी आज से स्वर्ग सिधार गए, लेकिन केंद्र सरकार और ईपीएफओ को थोड़ी भी जो है रहम पेंशन धारकों के प्रति नहीं है। ज्वाइन ऑप्शन फॉर्म भरवाने और पैसा जमा करने के ईपीएफओ कार्यालय तक चक्कर लगाने वाले पेंशन धारकों की तकलीफ का एहसास ईपीएफओ को क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट प्राप्त करना है तो हमारे चैनल से ज्वाइन हुए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देते रहें मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।